जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, इंडियन आर्मी की तरफ से नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती निकाली जाती है दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर, ये अग्निवीर स्कीम के तहत नहीं निकाली जाती, ये परमानेंट भर्ती है दोस्तों। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है यानी आपका चयन कैसे किया जाएगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों आप कमेंट जरूर किया करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहां टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई है, तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से जितनी भी भर्ती निकाली जाती है उनमें कभी भी नहीं बताया जाता दोस्तों कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। लेकिन बम्पर भर्ती है दोस्तों, आपको इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए यदि आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आवेदन कब से कर पाएंगे, तो देखिए 16 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 15 मार्च 2023 तक इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फीस कितनी लगेगी, तो ₹250 आपकी फीस लग रही है इस बार, ठीक है। पिछली बार एक भी रुपए नहीं लग रही थी, इस बार सभी कैटेगरी के स्टूडेंट की फीस यहां ₹250 लगेगी। इसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ओके। देखिए यदि आपका जन्म जो है तो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यानी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो थोड़ा आप मेरी बात यहां ध्यान से सुनिएगा, देखिए 10th+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। यदि आपने 12वीं पास कर लिया है साइंस सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश देखिए कंपलसरी कर दिया है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और चारों सब्जेक्ट को मिलाकर के आपकी 50% होना जरूरी है, ठीक है, 50% से आपके परसेंटेज जो है तो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर होना यहाँ कंपलसरी है। जैसे देखिए बायो में भी 40 नंबर होना जरूरी है, केमिस्ट्री में भी 40 नंबर होना जरूरी है, फिजिक्स में भी आपके 40 नंबर होना जरूरी है, इंग्लिश में भी आपके 40 नंबर होना जरूरी है। यदि आपके 40 नंबर से कम नंबर हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट को मिला करके आपके 50% होना जरूरी है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है, 40 नंबर कंपलसरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि मेरे 45 नंबर हैं तो क्या मैं एलिजिबल हूं, तो जी हां आपके यदि 45 नंबर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में, तो देखिए हाइट कितनी मांगी गई है, 166 सेंटीमीटर। देखिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हाइट क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है, तो जिस भी राज्य से हैं आप तो वहां का एक बार आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और हाइट के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। तो 166 सेंटीमीटर यहाँ हाइट मांगी गई है। सीना की अगर बात करें तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि आपका सीना 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाए तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए यानी 85 हो जाना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद वेट के बारे में बात कर लें तो देखिए 50 किलोग्राम से आपका वजन जो है तो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी दौड़ होगी, दौड़ कितने की होगी, 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 9 फीट का गड्ढा होगा, 9 फीट का एक गड्ढा होगा, उसे आपको कूद करके कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिग जैग बैलेंस यहाँ पास होगा, ठीक है, तो आप ये सब जानते होंगे, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका पुलअप्स होगा जिसको बीम कहते हैं, तो ये भी आपका होगा। तो देखिए इसमें कितने नंबर दिए जाएंगे, तो यदि आप 10 बीम मार लेते हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, यदि आप 9 बीम्स मार लेते हैं तो आपको 33 नंबर दिए जाएंगे, यदि आप 8 बीम मार लेते हैं तो 27 नंबर आपको दिए जाएंगे, और 7 बीम यदि आप मार लेते हैं तो 21 नंबर आपको दिए जाएंगे, और यदि आप 6 बीम मार लेते हैं तो आपको यहाँ पर 16 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हो गया बीम के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल में आपका इतना होगा दोस्तों, ठीक है, तो मैं सब कुछ यहाँ लिख दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इस बार जो है तो चेंजेस कर दिया गया है, ठीक है। जितनी भी इंडियन आर्मी की तरफ से भर्ती निकाली जाती थी, अब सब कुछ बदल दिया गया है। अब आपका सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा, जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद जब आप ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद जब आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे मेडिकल होगा उसके बाद, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इतने स्टेज पे गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट का। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान समझिएगा, जीके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 4 नंबर का रहेगा। मैथ से यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। फिजिक्स से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, बायोलॉजी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के, केमिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। तो टोटल आपका यहाँ 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर का, ठीक है। और पासिंग मार्क कितने से है दोस्तों, 80 नंबर से, ठीक है, पासिंग मार्क जो है तो कितने नंबर से है, 80 नंबर से, ओके। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी दोस्तों, और यदि इसको लेकर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।